हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं ब्रिटिश संविधान के लोक सदन की रचना अधिकार तथा उनके कार्यों के बारे में आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ। इस बारे में हम आपसे चर्चा विमर्श करेंगे। तो एक छोटा सा प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न बना के आपको बता रहा हूँ, समझाने की सफलतम कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रिटिश लोक सदन की रचना अधिकार तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, किस तरह से उसका रचना हुई, क्या अधिकार हैं, क्या उनका कार्य है। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद की प्रभुसत्ता का जो उल्लेख किया जाता है, आज उसका तात्पर्य लोक सदन और लॉर्ड सभा की प्रभुसत्ता से नहीं वर्ण लोक सदन की प्रभुसत्ता से ही होता है। सर रॉबर्ट वॉलपोल, जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेकर लेता है तो वह लोक सदन में ही परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तब वह लोक सदन को ही विघटित करता है। न्यूमैन, संसद की प्रभुसत्ता लोक सदन में निवास करती है। रचना, सदस्य संख्या 650, लोक सदन के एक सदस्य द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं को प्रतिनिधित्व किया जाता है। और ब्रिटेन में 1872 ईस्वी से ब्रिटेन में गुप्त मतदान प्रणाली को अपना लिया गया था। 1872 में गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया गया था। योग्यताएं, ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष हो, मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित हो, दिवालिया, मानसिक रोगी, देशद्रोही आदि न हो, लॉर्ड सभा के सदस्य न हो, ब्रिटेन में भारत के ही समान कोई भी उम्मीदवार किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए आवश्यक नहीं वह उस क्षेत्र का निवासी, उसके लिए जरूरी नहीं है वह किस क्षेत्र का निवासी। लोक सदन के सदस्य किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष के ही नहीं वर्ण संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं। कार्यकाल, कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संप्रभु इसे प्रधानमंत्री के परामर्श पर समय से पूर्व भंग कर सकता है। आपातकाल में इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अधिवेशन एवं गणपूर्ति, सम्राज्ञी संसद के अधिवेशनों को बुलाती है, उसके अधिवेशनों का सत्रावसान करती है। परंपरा अनुसार संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाया जाना चाहिए। अधिवेशन सोमवार से गुरुवार तक होते हैं। गुरुवार को निजी सदस्यों के विधेयकों पर विचार किया जाता है। सदन की गणपूर्ति के लिए 40 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। संसद के विशेषाधिकार, गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, 40 पूर्ण व पश्चात दीवानी मुक्त में छूट, भाषण की स्वतंत्रता, फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, सामूहिक रूप से साम्राज्य तक पहुँचने का अधिकार, प्रक्रिया संबंधी नियमों का निर्माण का अधिकार और आंतरिक मामलों को नियमित करने संबंधी अधिकार, ये सम्राट के कुछ विशेषा अधिकार हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जारी करना, सदस्यों की योग्यता निर्धारित करना और उसको निलंबन कर सकती है, सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक बनाना, इसके प्रयोग विशेषाधिकार में नहीं किया जाता। कॉमन सभा के पदाधिकारी, डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष, क्लर्क, परामर्शदाता, सार्जेंट एट आर्म्स, कॉमन सभा के कार्य एवं शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, लॉर्ड सभा किसी विधेयक की मृत्यु नहीं कर सकती, वह उसे अधिक से अधिक एक वर्ष तक रोक सकती है। वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रीय वित्त पर कॉमन सभा का पूरा नियंत्रण होता है, उसकी अनुमति के बिना एक पाई खर्च नहीं की जा सकती और कर के रूप में एक दमड़ी एकत्रित भी नहीं की जा सकती। वित्त विधेयक पहले कॉमन सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। कॉमन सभा द्वारा पारित किए गए वित्त विधेयक लॉर्ड सभा के पास भेजे जाते हैं, जो अपने पास एक माह तक रख सकती है। इस दौरान लॉर्ड सभा विचार नहीं करती तो संप्रभु के विचार के लिए भेज दिया जाता है। विवाद की स्थिति में
विवाद की स्थिति में कॉमन सभा इस पर इस बात को निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम होता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, संसद का कार्य प्रशासन करना नहीं होता, बल्कि जो प्रशासन का संचालन करते हैं उनसे पूछना है कि वे क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। इस दृष्टि से संसद का कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण होता है। 4. निगरानी एवं आलोचना। विपक्ष, पिछली पंक्तियों के सदस्य, प्रश्न, बहस, राजनीतिक शिक्षा का केंद्र, प्रशिक्षण स्थल। चर्चिल गर्व से कहा करते थे कि मैं कॉमन सभा का शिशु हूँ। तो ये अपनी कॉमन सभा के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है। धन्यवाद।